अंशु कुमार और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। GTL इंफ्रा के बारे में बताऊंगा कि इस कंपनी में आगे आपको करना क्या है, क्योंकि आपको पता है कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर आ गए हैं, लेकिन नंबर आने के बावजूद भी शेयर प्राइस में कुछ अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही थी। लोग अनुमान लगा के बैठे थे कि क्वार्टर थ्री के जब नंबर आएंगे तो शेयर प्राइस में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ताकि जो लोग भी प्री लेवल पर बाई करके फंसे हुए हैं, जिनके भी पोर्टफोलियो में स्टॉक अभी माइनस रेड निशान में शो कर रहा है, उनको थोड़ा बहुत राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उस उम्मीद पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके डर को दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। उस स्टेप को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको लॉस कम हो जाएंगे, और बहुत संभावना है कि यदि इस आपके पोर्टफोलियो में भी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर रेड निशान में है तो शायद ग्रीन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर प्राइस अभी देख सकते हैं कि 95 पैसा के आसपास चल रहा है। हालांकि देखिए एक एक कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन स्टॉक यहाँ पर जो आप देख सकते हैं अभी तो कुछ नहीं शो कर रहा है, ये पॉजिटिव में शो करता है, लेकिन ज़्यादातर निगेटिव में शो करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यदि मैं आपको दिखाऊं एक सप्ताह में देखेंगे तो तकरीबन 5% के आसपास से ये स्टॉक देखेंगे तो माइनस में शो कर रहा है, मतलब 5% एक सप्ताह में स्टॉक टूटा है। और ये जो इस तरह के देख सकते हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं एकदम, इसका मतलब होता है कि स्टॉक लोअर सेक्टर में चल रहा है। एक मंथ में भी तकरीबन 17.5% के आसपास से स्टॉक टूटा है, और पिछले 6 मंथ में देख सकते हैं 30% के आसपास से स्टॉक देखने को गिरावट इसमें मिली है। हालांकि इसमें गिरावट तो पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रही है। यही बातें यदि मैं आपको लंबी अवधि के चार्ट पर दिखाऊं तो आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलता हूं, जहां पर सारी बातें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर, यहां पर देख सकते हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में मैंने सारा डिटेल ओपन किया हुआ है। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के बारे में आपको पता है कि कंपनी टेलीकॉम जो सेक्टर होती है, टेलीकॉम कंपनियाँ होती हैं, उनके लिए बेसिकली टावर सेट करने का, टावर बैठाने का काम करती है। इसका काम ये टावर इंस्टॉलेशन का, ये इसका कंपनी का मेन काम होगा। और भी देखेंगे तो ये टेलीकॉम सेक्टर में मतलब अनेक कारों में कंपनी जुटी हुई है, लेकिन जैसे जियो और एयरटेल जैसे जो कंपनी है सिम बेचती है, उस तरह का कंपनी ये काम नहीं करती है। मेन काम इस कंपनी का टावर इंस्टॉलेशन का है। अब देखिए ये कंपनी के मार्केट कैप और क्वार्टर थ्री के नंबर पर बाद में आएंगे, पहले मैं आपको साल भर के चार्ट ओपन किया हुआ हूँ और यहाँ पर आपको कुछ बातें समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये एक साल का चार्ट है, और एक साल के चार्ट में जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो ये वाला एरिया है, ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये एरिया आपको मैं बता दूँ कि यह है 1 रुपया तकरीबन 80 पैसा के आसपास का एरिया है, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपया 80 पैसा तक बार बार तो पहुंचा है पिछले एक सालों में। तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बार ये पहुंचने की कोशिश किया, लेकिन इससे ऊपर नहीं निकल पाया है, यानी कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रुकावट का काम कर रहा है। और उसको छोड़ दे तो इसके पहले, इसके नीचे देखेंगे तो ये जो एरिया है तकरीबन 1.5 रुपये के आसपास, ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके भी नीचे आएंगे तो ये एक एरिया बन सकता है, ये वाला एरिया, ये आप देख सकते हैं 1 रुपया 30 पैसा। और अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ पर चल रहा है, ये 90 पैसा के आसपास, 90 पैसा से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर देख सकते हैं 92 पैसा के आसपास कर सकते हैं, यहाँ पर चल रहा है। अब इसके बाद जो इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये करेगा 1 रुपये का। यहाँ पर भी प्राइस तकरीबन 2 बार पहुँचा है, और 2 बार यहाँ पर प्राइस पहुँचने के बाद नीचे आया है। हालांकि ऐसा होता है कि शेयर मार्केट में जब प्राइस 2 बार अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है, मान लीजिए यहाँ से 1 बार पहुँचा फिर 2 बार पहुँचा, लेकिन तीसरा बार जब पहुँचता है तो रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर चला जाता है। तो अभी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शेयर प्राइस है देखेंगे कि 2 बार यहाँ पर पहुँचने का कोशिश किया है लेकिन नीचे आ गया है, लेकिन अब तीसरी बार जब इसको पार करेगा तो सीधे आएगा 1 रुपया 20 पैसा तक। 1 रुपया 20 पैसा के पहले इसका कोई दूसरा रेजिस्टेंस नज़र नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद फिर प्राइस 1.5 रुपये तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो जब 1.5 रुपये के आसपास जाएगा तो वो तो जब जाएगा तब की बात है, लेकिन फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस जरूरत है 1 रुपये के ऊपर निकले। हालांकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर जो आए हैं वो काफ़ी शानदार नहीं आए हैं, इस वजह से थोड़ा सा डाउट बन रहा है कि इस बार इसका जो प्राइस 1.5 रुपये तक पहुँचने वाला है पहुँचेगा कि नहीं। अभी देखेंगे क्वार्टर थ्री के नंबर में यदि आपको दिखाऊँ तो कंपनी के जो क्वार्टर थ्री में टोटल सेल्स हुए हैं देखेंगे 360 करोड़ के आसपास हुए हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 360 करोड़ के थे और उसके पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ के थे, यानी कि तकरीबन 3 क्वार्टर्स आप देखेंगे तो सेम ही नंबर कंपनी के रह रहे हैं, यानी कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। और एक बात बताइए, जब कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेगा, प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा, और कंपनी प्रॉफिट में है भी नहीं। कंपनी आप देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टर से देख सकते हैं लॉस में ही चल रही है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी हमेशा देखेंगे तो हर क्वार्टर में कंपनी लॉस में ही रही है। तो जब कंपनियाँ लॉस में हो, एक लॉस मेकिंग जब कंपनी हो, तो उसको प्रॉफिट में आने में कितना वक्त लगेगा ये तो डिपेंड करता है, जब कंपनी के सेल्स बढ़ने लगे तभी, और कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मतलब बढ़िया नहीं है, मार्केट के 1204 करोड़ के आसपास जरूर है, लेकिन इसका फंडामेंटल पेनी स्टॉक से भी गया गुजरा है। करंट प्राइस देख सकते हैं 95 पैसा है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का कुछ पता नहीं था, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस में है, उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर आने में काफ़ी समय लग सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो बातें मैंने आपको बताई इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पर, कि यदि इसका प्राइस आपकी 1 रुपये 20 पैसा के आसपास जाते हुए दिखता है तो आप
वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी बुक करने पर ध्यान देंगे। इसमें लंबी अवधि के लिए आप कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लंबी अवधि के लिए बने रहने की सोच रहे हैं, वरना आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो देखिए GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपके मन में कोई सवाल है तो उस कमेंट में जरूर पूछिएगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।